नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के गुरुग्राम में शुक्रवार को पटौदी के एक स्कूल में चल रहे क्रिसमस के कार्यक्रम में पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाने को लेकर हड़कंप मच गया। पिछले कुछ महीनों से गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बावजूद उसके विवादों का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 3 महीनों से सेक्टर 47, सेक्टर 12A और अब सेक्टर 37 में जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर खुले में नमाज का विरोध किया जा रहा है। विरोध के कारण शहर में शुक्रवार की नमाज की संख्या भी घटकर आधी रह गई। वहीं हरियाणा के DGP और मुख्य सचिव के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस और प्रशासन अभद्र भाषा और सांप्रदायिक उकसावे के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे, जहां गुंडे लोगों को नमाज अदा करने से रोकते हैं। वहीं राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब द्वारा दायर याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि गुरुग्राम पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता नफरत फैलाने वाले भाषणों और घृणा अपराध को जन्म दे रही है, क्योंकि पुलिस उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही जो मुसलमानों को जुम्मे की नमाज अदा करने से रोक रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि शुक्रवार की नमाज को खुले में रखने की अनुमति विशेष रूप से जगह और सुविधाओं की कमी के कारण दी गई थी। वहीं हिंदू संगठन का कहना है कि जिस सार्वजनिक जगह पर नमाज की जाती है उसके बाद उस धर्म के लोग कब्जा कर लेते हैं। काफी विवाद के बाद गुरुग्राम पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज के स्थान तय किए थे। कहा गया था कि ये स्थान हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा आपसी समझ के बाद तय किया गया था। विवाद को लेकर कई नेताओं ने, जिनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान भी सामने आए थे। अनिल विज का कहना था कि किसी को भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन खुले में नहीं करना चाहिए। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि खुले में नमाज अदा करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सभी को सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी को भी दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसका पलटवार कर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह प्रतिबंध हर धर्म पर लगता तो अच्छा होता, लेकिन किसी धर्म विशेष को सोच विचार कर चुनने की नीति से पता चलता है कि एक विशेष धर्म निशाने पर है। इतना ही नहीं, इस मामले में BJP विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान में कहा गया था कि 95% मुसलमान भारत के हिंदुओं से कन्वर्टेड है, चाहे तो आज भी DNA टेस्ट करवा ले। विवादों के बीच अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आखिर क्या फैसला आता है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।